सर आइए सर आइए सर पहले हमने फितूर दीवाना इन सब सीरीज तू छाने सीरीज में पार्ट डिवाइड किए थे. दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद फोर म्यूजिक वीडियोस टुगेदर एक ही पार्ट में एंड इट्स अ 20 मिनट 22 मिनट लॉन्ग स्टोरी वन गो में एंड दे आर डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स. सो इट्स बेसिकली अ स्टोरी अबाउट हाउ ऑफिस में किसी से प्यार हो जाता है एंड देन लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस होता है. इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी बट वेरी हार्ट टचिंग. तो एंड वी हैव डन समथिंग डिफरेंट के चार गाने एक साथ ही वी मेड अ म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म एक बार है. तो दैट्स व्हाट वी डन डिफरेंटली दिस टाइम. रोमियो कितना नॉस्टैल्जिक फील किया यहां पे कॉलेज में आके और क्या कोई मेमोरीज ताजा हुई है कॉलेज की अगर उस बारे में कुछ शेयर करें और क्या कुछ मेमोरीज थी कॉलेज की जैसे आपने कुछ मेंशन भी किया ऊपर की एक्स के बारे में और जो गाना भी उसी तरह का अगर कुछ शेयर करें आप. सो फर्स्ट कॉलेज की बात जहां तक है
मैं बहुत शाय था पहले, देन कॉलेज में जाके थोड़ा थोड़ा फिर खुल गए, एंड देन टुडे रोमियो इज व्हाट रोमियो इज बिकॉज ऑफ हिज स्कूल एंड कॉलेज की लाइफ एंड म्यूजिक ऑल्सो. सो आई फील लाइक दैट एनर्जी आई सी यहाँ के ठाकुर कॉलेज के स्टूडेंट्स में, एंड द पैशन टू डू स्टफ आगे जिंदगी में, बी इट म्यूजिक आर्ट्स और साइंस. सो आई फील लाइक मेरे को वो नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि हाँ कि इवन आई वॉज लाइक दिस इन माई कॉलेज. एंड जहाँ तक बात रही एक्सेस की, वो एक्स नहीं है, जस्ट लाइक एज पीपल कॉल हर मिस्ट्री गर्ल. तो फितूर गाना था, इसके बाद बहुत सारे गाने लिखे उसके लिए, तो इट्स जस्ट एक तरफा प्यार वाली स्टोरी एंड आज भी वही चल रही है. ठाकुर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको मिले, फैंस को मिले, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? बस के यही, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. आगे जिंदगी में आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचे एंड जस्ट फॉलो योर पैशन, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई फील हर इंसान वो जब करता है ही इज हैप्पी. और एक तरफा प्यार हमने देखा बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया था जब आपने पूछा. उनके लिए क्या क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया आप इस चीज में, अगर कुछ एक्सपीरियंस हो गया. आई थिंक इट्स दैट डायलॉग जो मेरे दिमाग में अटक गया था, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है. आई फील लाइक किसी से प्यार करने के लिए आपको उनकी जरूरत है ही नहीं. अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप दिल से करते रहो जिंदगी भर, उनकी प्यार की जरूरत है नहीं आपको. तो आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट एंड आई फील लाइक, और वो खुशी भी है एक तरफा प्यार में, ना कोई स्ट्रेस, ना झंझट, ना आप किसी को तंग कर रहे हो, ना प्यार मांगना है, बस प्योर इंटेंशन है कि आपको किसी को प्यार देना है. So I believe, I solely believe in the concept of ek tarfa pyar. Okay, Romeo, thank you so much.